कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप सरकारी जमीन पर बनी मजार हटाने की मांग की है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार पीडब्ल्यूडी दफ्तर के सामने सरकारी जमीन पर मजार बनाने का प्रयास किया गया वह सरासर गलत है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने शहर भर में ऐसी जगहों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि एक सरकारी भूमि पर किस तरीके से एक अवैध निर्माण हो गया, अवैध मजार का निर्माण हो गया, फिर उसका एक सरकारी बंगले का सरकारी कमरा उस मजार को संचालन के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, उसके संबंध में हम सभी बजरंग दल कार्यकर्ता यहाँ पर आए माननीय डीएम साहब से मिलने के लिए कि उस जो लैंड जिहाद हुआ है उस लैंड जिहाद को कब तक हटाया जाएगा एक समय सीमा तय करके हमें बताएं, और उसके बाद जहां जहां पर भी इस तरीके से अवैध निर्माण अवैध मजारों का निर्माण किया गया है उन सभी अवैध मजारों को हटाकर वहां पर उसको कब्जा मुक्त कराया जाए इन जिहादियों का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/